किसी डॉक्टर के पास जाते हैं वो कहते हैं ये मामला है, किसी के पास जाते हैं वो कहते हैं ये मामला है। कल को उन्होंने एक हमें बहुत बड़ा झटका दिया, कहते हैं ये है और 50,000 रुपया एक दिन का लगेगा। तो आदमी जैसा। हेलो जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, आप लोग वहाँ से हम भी ठीक हैं। और आज का भी लोग हम कर रहे हैं स्टार्ट, ठीक है। और आज का भी लोग, आप लोगों को पता है कि जैसे कि मामू गोपाल के बेबी की डेथ हो गई है, और आप सब ने दुआओं में घर वालों को सबको याद रखना है। और बाकी जो भी लोग हैं आज का कि सब, कल तो सब आए थे तो कल किसी ने भी वीडियो नहीं बनाई थी, तो आज सब वीडियो जो है लोगों ने तो इतनी वीडियोज़ बना दी हैं कि जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। पर यह सब ने दुख नहीं है ना लोगों को, जो हमें वो लोगों को थोड़ी है, तो लोगों को ट्रेंडिंग मिल गई है व्लॉग बनाने की। तो बाकी यह कि आप घर वालों को मौका मिला हुआ है। मासा इधर बोलो। मैं कह रही हूँ लोगों को तो एक मौका मिला हुआ है कि चलो भाई ये व्यूज कमाने का तरीका मिल गया बस। हाँ, तीन तीन चार चार वीडियोस डाल रहे हैं, एक भी नहीं, सबसे पहले दो भी नहीं, गलत बात है। किसी के अफसोस में अफसोस वही होता है जो किसी की वीडियो के बिना अफसोस करे। हाँ, और बाकी जो घर वाले हैं वो सारे यहाँ बैठे हुए हैं, मामी सनिया भी हैं, नानो भी हैं, मासो मारी लोग भी अभी आए हैं, और मामू लोग जो हैं वो मामू उस कमरे में, और मामी जो है बाहर हैं, बाकी सब भी और भी मेहमान आए हैं। और बाकी आप लोग को घर वालों से मिलवाते हैं, सबको सबसे मिलवाती हूँ एक एक करके ना पानी। और मैं चाय रख कर आई हूँ, चाय जो है वो हो जाएगी, और खालू भी है यहाँ पे, और बाकी बाहर भी हैं सारे, और मैं आपको सबसे मिलवा। यहाँ पे हम लोग आ गए किचन में, किचन में जो है पहले चाय बननी थी और अभी दोबारा बन रही क्योंकि मेहमान आ रहे हैं। तो जो है और कुछ नहीं, खाना वाना तो नहीं, तो चाय जो होती है वो एक चाहत होती है। हाँ हाँ, और आज मैंने और मामी ने सारे काम भी किए, और बाकी जो है खाना वाना बनाया। अच्छा जी, सही है। तो भाई मैं जनी जवान हाँ, तो अच्छा लगेगा आप काम करोगे हैं। और बाकी जो दूध है वो बॉईल कर रहे हैं मामी के लिए, हमने खाना बनाया था वो अलग बनाया था ना, क्योंकि मामी यखनी मामी के लिए मामू लेकर आए थे चांपे, तो उसकी यखनी बनाई थी। और मामी जो हाँ, और मासो मारिया भी चाय चाय बन रही है, और ये जैनी बाजी भी आई हैं। हाँ जी, कैसे हो? क्या हुआ? मैं भी ठीक हूँ। कल घर पे चली गई थी, और मैं जो मामी के पास रुक गई थी क्योंकि मामी की तबीयत ठीक नहीं है, और बच्चे जो है बहुत तंग करते हैं। हाँ, और जो मामी की तब मैं इसलिए गई थी घर पे कि लिया की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। हाँ, लियू का तो मुझे जो है ना इसको जाके देखना था। अभी कल जब अभी जो है ना मेरे भतीजे की डेथ नहीं हुई थी, और सुमन उससे पहले मुझे कॉल कर रही थी कि अम्मी घर पे आ जाओ, लिया की तबीयत बड़ी खराब। हाँ, और जो भी लोगों ने बैड कमेंट किए हैं खुदा उनका भला करे, और बस खुदावन सबका अच्छा करे, हम लोग तो किसी का बुरा नहीं चाहते। तो जो भी हमारे साथ खुदावन ने किया, खुदा ने उसको सोनिया को सब्र देना है, जितना हो सकता है सोनिया के लिए सब्र मांगे, खुदा से तसल्ली मांगे, और हमें दुआओं में याद रखे। हमें यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से। हाँ, और बाकी मामू भी हैं। हाँ जी मामू, और मामू भाई बहुत थक गया, मामू जो है कल परसों के भाग भाग है। जो लोग बैटमेंट कर रहे हैं, ये सारा ड्रामा हुआ है, तो हम किसी को कहना, हम किसी को ये नहीं कहना चाहते, मेरे खुदा उनके साथ करे, क्यों खुद औलाद वाले। दो बार मेरी वाइफ के साथ हुआ है, मेरी बहन के साथ हुआ है, हमें पता है कि ऐसे ड्रामे जब खुदा करता है ना किसी से, तो कैसा महसूस होता है सच में। तो आप ये बात सोचें कि आदमी छोटा है या बड़ा है या कोई भी है, उसके ऊपर से जब उसका मामला खराब होता है ना, वो भी रोक नहीं सकता। तो कोई आदमी हमारे साथ ऐसे करता, वो आपको पता नहीं है उस आदमी का क्या होता, मतलब जब खुदा ने किया है तो हम सब्र सब्र के साथ बैठेंगे, उसके साथ कोई भी इंसान नहीं कर नहीं कर सकता, सामना नहीं करता, ठीक है। और यहाँ मासो जो है, मासो भी चली गई थी रात में ना, क्योंकि नहीं रुकते तो रुकते नहीं है, और भी मासो दोबारा शाम में आई हैं। अभी फिर सारा दिन घर को थोड़ा देखना था, तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ी लेट हो गई, तो मैं अभी आई हूँ थोड़ी देर में। सही। और मम सनिया जो है मुझे दोपहर की आ गई थी, क्योंकि मामी कह रही थी भाई मैं चली जाऊँ, बंदा पास से कोई काम वाम कर लेता है। पास है, फिर उसके बच्चे हाँ। पता डिस्टर्ब करते हैं। और हमें पता भी नहीं था जिस दिन मामी की तबीयत, मतलब हम लोग लेकर गए थे, जिस दिन हम लोग हॉस्पिटल गए थे, हम लोगों ने व्लॉग बनाया था मैंने अपने चैनल का, उन इतने हैप्पी थे रात में, मैं मामी के लिए चीज़ें लेकर गए थे, हम लोगों ने खाना वाना खिलाया, बेबी को भी देख कर आए थे, बेबी भी ठीक था, हमारी तो सोच में भी नहीं था ठीक हो जाएगा, अगर दो एक दिन या दो दिन निकाल गया तो ठीक है। हाँ, तो हम लोग को ये था वो ठीक हो जाएगा, हमने प्रे भी की थी। समझ में आती है कि जो बैड कमेंट करते हैं उनके अंदर दिल नहीं है, उनकी औलाद नहीं है, कैसे कर लेते हैं आप किसी के बारे में,
इस तरह कैसे लिख लेते हैं, आपके हाथ कैसे साथ देते हैं लिखने में, और आपकी जुबान कैसे साथ देती है अगले को ऐसे बोलने में। खुदा आप लोगों को तौफीक दे। हाँ जी, ऐसे कह सकते हैं। और मामू ने एक बात बहुत अच्छी बोली है कि जब खुदा मजाक करता है ना तब इंसान को पता चलता है। खुदा आपको तौफीक दे ऐसे जाहिलाना पेंट लिखने की, शाबाश। देखो जरा, और मामी यहाँ चाय लेकर आई हैं, ठीक है, अभी चाय वाय पीते हैं। और बाकी से सबसे यही बोलेंगे मम सोनिया के लिए बहुत सारी दुआ करें, खुदा उन्हें बहुत सारा सब्र दे। और नेहू जो है यहाँ पीरू पी रही है, और बग्गू जो है बहुत पारा लग रहा है। नेहू हम लोग जा रहे हैं घर पे, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अभी जरूरत है और कल इंशाल्लाह जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं, भी आई थी वो भी जा रही हैं, सब जा रहे हैं, नानो भी जा रही हैं। क्या कौन सी चप्पल है आपकी? और काफ़ी मेहमान भी आए थे, वो सारे चले गए, और बाकी एक और अंदर बैठे हैं, उनसे मिलवाती हूँ। और लियो जो है वो मम्मा पापा को लेकर रही है। क्या हुआ मेरी बेटी को? चलो। और जोया जो अपना थर्मोस और चप्पल पकड़ के जाने की तैयारियां पकड़ लिया, जा रही हो? इधर देखो अपना थर्मोस से अपनी जुत्ती फाड़ के अम्मा मेनू ना छाड़ी गई है। थर्मोस चप्पल चप्पल पहन, नीचे रख चप्पल। वो देखो जरा कहती हूँ, वो अम्मा के साथ ही रहती है, कहती अम्मा के साथ ही जाना। और ये अभी जा रहे हैं, ये नीचे उतर रहे हैं, और मामी और मैं सिर्फ बच्चे हैं ना, मैं मामी और मामी सोनिया। बाय बाय। रात को जो मेहमान थे वो चले गए थे, रात में ब्लॉग जो है वो कंप्लीट नहीं किया था, क्योंकि रात में मामी सोनिया की तबीयत खराब हो गई थी और उसकी वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग। मैं काम कर रही थी मैं भी और मामी भी, क्योंकि मेहमान जब गए थे तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो फिर सफाई वगैरह करने लगे थे, फिर मैंने वीडियो जो है रात में कंप्लीट नहीं की थी। मैंने कहा क्या वीडियो बनाने, दिल ही नहीं चाह रहा था वीडियो बनाने के, इसलिए वीडियो जो है तो मैंने बनाई नहीं थी। और उसके बाद रात में जो है मामी सोने की 2 बजे तबीयत खराब हो गई थी, तो फिर मामू जो है हॉस्पिटल लेकर चले गए थे, और मैं और बच्चे घर पे थे, और वीडियो भी नहीं मैंने बनाई थी। और इसके अलावा अभी जो है सब हॉस्पिटल गए थे सुबह के, सिर्फ मैं और मामी और बच्चे घर पे थे, और मामू भी हॉस्पिटल गए थे, रात में भी गए थे, हाँ 6:30 बजे सुबह 6:30 बजे घर पे आए थे मामू और मामी। और इसके अलावा मासो लोग भी जो हैं, रात को मैंने कह रही थी इधर ही रुक जाओ, ये नानो के साथ चले गए थे, कह रहे थे नहीं मुझे अपनी अम्मा के साथ जाना है, तो नानो लोग और मासो सारे घर पे चले गए थे। इधर 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 मासो, अभी मामी सोने की तबीयत कैसी है? ठीक है, हाँ शुक्र है मालिक का, ठीक है, बेहतर है। तो मासो मारे कह रही हैं जब अंकल आएंगे तो फिर मैं भी जाऊँगी। तो बाकी ये यहाँ पे चाय भी बनाई थी, तो अभी चाय वाई इन्होंने पी है, और अभी मैं मामी को कह रही हूँ खाना वाना बना लें, क्योंकि शाम होने वाली, मामू लोग आने वाले हैं, और आप सब मामी के लिए बहुत सारे दुआ करें, ठीक है, मामी जल्दी से ठीक हो जाएं और घर पे आ जाएं। मामी की तबीयत वैसे तो ठीक थी, पर वैसे उन्हें ब्लड की कमी हो गई है, तो जो है अभी ब्लड बहुत ज़्यादा, हाँ, तो हम लोग तो सब डर रहे हैं भाई, डर गए थे, मैं तो रात में बड़ा डर गई थी कि भाई मामी की अचानक तबीयत ख़राब हो गई है, तो मामी को हॉस्पिटल लेकर गए थे। तो अभी यह है कि पहले लेकर गए थे, चेकअप करवा के आए थे, और फिर जब गए थे मामी, और सैमी कुछ बता रहा है, क्या बता रहा है सैमी? रात को मेरे पास था और रो रहा था, पहले ये 3 बजे सो गया सही है, फिर 5 बजे उठा, फिर रोए, फिर अपने पापा को ढूंढे कि मेरा पापा कहाँ चला गया, क्योंकि पापा के बिना रहता नहीं है। अब ठीक हो सैमी? क्या कर रहे थे पापा बता दे। बोला है मुझे मम्मा के पास जाने नहीं दिया, ऊपर जाने क्यों अलाउ नहीं है ना बच्चों का। हाँ क्या कह रहे थे? कह रहे पता नहीं, वो कह रहे थे मैं गया था मम्मा से मिलने नहीं दिया उन्होंने, अलाउ नहीं है बच्चों को। तो फिर सामी आप मिलकर नहीं आए पापा से मिले? बताओ पापा तो नीचे आ गया था ना, पापा सही है। अभी खाना खाना है, क्या खाना है सामी? अभी सैमी मामी बड़ा हो गया, अभी समझदार हो गया, बात समझता। जब मैंने रात को कहा था ना कि मैं बात करवाती, तब चुप हो गया था फोन।
और मामू जान रात में भी हॉस्पिटल साथ में ही थे और सुबह भी बस मामू तकरीबन एक दो घंटा सोए हैं सुबह आके। अभी भी फिर से हॉस्पिटल से आए हैं। हाँ अभी सुबह के गए थे। जितने भी गोपाल की फैमिली को और मेरे चैनल को देखने वाले हैं सभी के सभी दुआ कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे किसी डॉक्टर के पास जाते हैं वो कहते हैं ये मामला है, किसी के पास जाते हैं वो कहते हैं ये मामला है। कल को उन्होंने एक हमें बहुत बड़ा झटका दिया, कहते हैं ये है और 50,000 रुपया एक दिन का लगेगा। तो आदमी जैसा भी हो इतने अमाउंट सुन के एक बार उसको झटका लगता है। हाँ। तो शुक्र है खुदा का, दुआ कीजिए। ब्लड लगे सोने को बोतलें वगैरह लगी हैं, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है, ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी थी जिसकी वजह से उसके दर्द खत्म ही नहीं हो रहा था। तो बेबी तो जो उसने खोना था वो खो दिया, खुदा की माफी मगर उसके लिए जितने भी उसके व्यूअर उसको चाहने वाले हैं प्लीज दुआ कीजिए। हाँ, तो अपने बच्चों में सेहत याब हो गए जल्दी से आए, ठीक है। आमीन। और व्लॉग का हम यही एंड करते हैं, ठीक है। मानसोने के लिए बहुत सारी दुआ करिएगा, मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।